हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन से दो तरीके हैं जिससे हम लोग अपने चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। मैं नहीं मानता। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पे पूरा बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर दें, जिससे कि हम जो भी नई वीडियोस बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि पहले हम लोग के चैनल मोनेटाइज करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग आवर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अभी जो 20 सितंबर को नया अपडेट आया है उससे आप अपने चैनल को दूसरे तरीके से भी मोनेटाइज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा था कि पहले जो लॉन्ग वीडियोस बनती थी सिर्फ हम लोग उसी को मोनेटाइज करके उससे पैसे कमा सकते थे। बट दोस्तों, पहले क्या होता था कि जो हम लोग शॉर्ट वीडियोस बनाते थे उससे हम लोगों को रेवेन्यू जनरेट नहीं होती थी, यानी हम उससे पैसा नहीं कमा पाते थे। लेकिन जो 20 सितंबर 2022 को जो नया अपडेट आया, उसके बाद आप अपने शॉर्ट वीडियो को भी मोनेटाइज करके आप उससे पैसा कमा सकते हैं। यानी अगर आपका चैनल जो है वो शॉर्ट वीडियोस का है, आप सिर्फ शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, तो अब आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसके लिए अभी जो नया रूल आया है वो 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज आपके चैनल पर होना चाहिए, तभी आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं और YT स्टूडियो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, रुको जरा, सबर करो। ये जो है 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज हैं, ये आपको 90 दिनों के अंदर पूरा करना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको 90 दिनों के अंदर पूरा करना होता है। अगर आपके चैनल पर 90 दिनों के अंदर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ व्यूज होते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मैं तो फुल वीडियोज भी बनाता हूँ, मैं तो शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ, तो मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज होगा? ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप दोनों तरीके के मिक्स वीडियोस बनाते हैं तो आप दोनों तरीके से अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके शॉर्ट वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं और आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हैं, तो आपके 1000 सब्सक्राइबर और शॉर्ट वीडियोस से जो आपको व्यूज़ मिले हैं, यानी शॉर्ट वीडियोस पे अगर आपके 10 मिलियन व्यूज़ हैं, तो आप उस तरीके से भी आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके लॉन्ग वीडियोस से आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग आवर पूरे हो चुके हैं, तो आप उससे भी अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। यानी आप दोनों तरीके से अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।